आपको थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहूंगा नरवाना के विकास कार्यों के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा नरवाना पर हमारी अपील के। देखो, जैसे कि अभी हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे भाई शशिकांत शर्मा जी कि जो पब्लिक हेल्थ का जो हाई परचेज कमेटी की जो मीटिंग होती है जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने वो अप्रूव कर दी है और अप्रूव हो गए और माल भी लग गया। जो पाइपें हैं जो ये जो आप भी बात कर रहे हैं ना शहर की सीवरेज वाली 136 करोड़ वाली और जो गामा की है वो सारी सारे ना गुड़थड़ी सारा उसमें माल स्टॉक होने लग रहा है वो, और जल्दी बरसात का मौसम ख़त्म होते ही उसका काम शुरू हो जाएगा जिससे शहर को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और इसका जो क्राइटेरिया लिमिट एरिया है इंक्रीज ऑफ द MC एरिया उसकी भी फाइल गई है, उसका भी जो नोटराइज करोने वो भी जल्दी अप्रूव हो जाएंगे जिससे कि हाँ उसको सड़क पक्की मिलेंगी, जो सुविधा है वो सब मिलेंगी। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बताना चाहूँगा नरवाना के विकास कार्यों के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा नरवाना पर हमारी अपील के उन्होंने सुनी नरवाना की जनता की। तो हमने मैं आपको बताऊँगा कि पब्लिक हेल्थ के काम लगभग हर गांव के जो पानी का डग्गी बनानी है या बूस्टर लगाना है, जैसे हमारे सरपंच साहब बैठे हैं सिंगवाड़ में 2 बूस्टर लगे, सीसर में 1.5 करोड़ का लगा, भिदराना में डग्गी का सभी 4 करोड़, लगभग इतना है कि मैं ये कहूँगा कि आपको पब्लिक हेल्थ को जो गाँव में पानी का देने का लगभग 80-90 करोड़ रुपया का काम है। जो भी डग्गी अभी अभी फिलहाल एक और मंजूर हुई है हमारे बड़े गांव दरौदा में उसमें हुई है, तो इतना तो है। और बिजली के मैं आपको बताऊँ बिजली के 6 पहले दे दिए थे पावर हाउस और 7 अपना खाल में बन लग रहा है, जैसे कि सुलेड़ा में, फ्रैंड कला में, सिंगवाड़ में, कोयल में, बरटा में, खाल में, तो इस तरह के बहुत जिसकी एक पावर हाउस 10-10 8-10 गांवों को कंट्रोल करेगा। और सरकारी अस्पताल में सिर्फ हमारे नरवाना में एक डॉक्टर था, और मैंने आवाज़ उठाने के लिए जब विधानसभा में सेशन में तो 9 डॉक्टर की वो आए, उसके शहर के सीवरेज के लिए 136 करोड़ रुपया का टेंडर लगा था और टेंडर खुलने लगे बट उसमें एक एजेंसी आई सिंगल, तो इसलिए दोबारा रिकॉल करा और रिकॉल करने के बाद दोबारा टेंडर लगाएगा। अब उसके बरसात का मौसम ख़त्म होते ही दोबारा इसका काम चालू हो जाएगा। और पूरा नरवाना हल्का के अंदर जो सुख दुख के 36 बिरादरियों के समाज की जो गाँव चौपाल होती हैं सुख दुख में बैठने की बहुत बड़ी खस्ता हालत होती है, क्योंकि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भगत चौटाला जी उन्होंने तो खूब कराया था, उसके बाद नहीं किसी का हो पाया खर्च, नहीं किसी ने संभाल हो पाई, तो उसके बाद भी फिर 2019 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अपील करी, मैंने कहा जी सब सुख दुख में बैठने के लिए सबको चाहिए भी बड़ी खस्ता हालत है, तो लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि पूरे पूरे नरवाना हल्का गाँव चौपाल के लिए दी है। जो 36 बिरादरी चौपाल, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, जितने भी है सबके चौपालों को दिए है। और प्रदेश में एक सबसे बड़ी यह भी है कि हमारे नरवाना में 6 करोड़ की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनने जा रही है, उसका टेंडर अभी लग जाएगा। ये हमारे बल्कि वाइस चेयरमैन जी शशिकांत शर्मा जी भी हमारे पास ही बैठे हैं, इन्होंने भी वहाँ समीक्षा की थी अधिकारियों के साथ जाकर, और हमारे पूर्व सरपंच और फिलहाल जो वर्तमान में जिला पार्षद अपने वीरेंद्र जी सिंगवाड़ जी, ये भी अपने पूरे गाँवों में जैसे मैंने बताया है कि भी इनके गाँव में भी सिंगवाड़ में भी चौपाल का भी है, चबूतरा का भी है, और जैसे बूस्टर की पानी की बहुत बड़ी दिक्कत थी वो भी थी, वो सारे के सारे हमारे बिल्कुल हाँ मांगे सारे हमें कंप्लीट कराई है। और जो सड़कें की थी, सड़कें का लगभग पूरा जो था लगभग आप दूसरे हल्का कंपेयर कर लो अपना नरवाने देख लो, कोई लगभग नरवाना का हल्का में सड़क टूटी फूटी नहीं मिलेगी, पूरी जो लग रहा है उस पर पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मोटा मोटा तौर पर ये कहूँगा जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नरवाना हल्का के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई झड़ी लगाई है और कम से कम 500-600 करोड़ रुपये का काम नरवाना हल्का में वर्तमान इस टाइम जो 4.25 साल में हुए हैं, अभी तो साल सवा साल और पड़े, अभी तो और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी नरवा की होगी। और एक सबसे बड़ी जो ये इधर की जो बेल्ट थी 18-20 गांव थे जो अपने पंजाब बेल्ट को लगती है एरिया को बॉर्डर पे, वहाँ एक बहुत दिनों से बड़ी मांग थी महिला कॉलेज की, वो भी जब धनौरी गाँव में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी अनाउंसमेंट करके, और उसका भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। तो 12 हमारे अनाज मंडी थी, 12 अनाज मंडियों की खस्ता हाल हो रही थी, तो 12 की 12 अनाज मंडी थी, 12 की 12 वो अप्रूव कर दी, उनके टेंडर एस्टिमेट बनाने लग रहे हैं। तो मेरी नैन SDO से बात हुई थी, वो कह रहे जी इसका एस्टिमेट लग रहे हैं बनाना, जिसमें से
उससे पहले मंडी में मेरा प्रोग्राम था, मंडी एसोसिएशन ने मेरे को बताया था कि यहाँ इतनी दिक्कत है अपने मेला मंडी में, अनाज मंडी में, तो वहाँ 4 करोड़ 20 लाख की राशि उससे पहले भी आ ली उसके बदल जो समस्या थी उसको काम करने के लिए। तो लगभग मैं ये कहूँगा भाई इतना काम लग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्माण के लिए और इतना प्रयास लग रहे हैं कि निर्माण जनता के लिए, वह हर तरह की हम सुविधा देश के हर तरह की जो भी जनता ने हमारे पर उम्मीद जताई आश्वासन मतलब विश्वास किया वहाँ पर जो है बस हम वह खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कामों को बीच में लेकर 2024 के बीच हम चुनाव में जाएंगे। सिविल हॉस्पिटल कितने बेड का बनाया गया था? सिविल हॉस्पिटल का 100 का पहले 50 का था। पहले नहीं, पहले भी वो 100 का था बट कागजों में इसको 50 का दिखा रखा है, 50 बेड का। तो अभी इसकी एक फाइल चलाई है कि वह है 100 का तो उसको 100 का ही बनाया जाए, तो ये फाइल अप्रूव के लिए चली गई। डायरेक्टर ने भी इसका फॉरवर्डिंग लेटर की, मैंने आज मेरे डॉक्टर मिले थे, टीम आए, विज्ञापन भी देखे गए थे, कुछ और था मैटर उनका, तो उन्होंने कहा था भी लेटर दो, मैं उसको फॉरवर्डिंग लेटर दे रहा ताकि सीएम साहब से और माननीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर विज साहब से रिक्वेस्ट करके इसको एज इट इज 100 का 100 बनाए और पूरे डॉक्टरों को, और जो ऑर्थो डॉक्टर की भी कमियां, और पहले ने सिंगला डॉक्टर जी थे वो भी थे, अब उसके बाद वो नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो ऑर्थो का और हो गए हैं कई तरह के डॉक्टर हैं उनकी भी हमने अपील करी जल्दी, या कोई एक्स्ट्रा केयर और जो भी है तो वो भी जल्दी पूरी कराएंगे।